Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, प्रभु आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, प्रभु आपके कभी ना बदलने के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में करी है प्रभु। कई बार प्रभु हमने उन सारी ब्लेसिंग को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु इग्नोर किया पिता परमेश्वर, कई बार आपके प्रेम को इग्नोर किया, मगर प्रभु आज आपके समीप आते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु के लोगों इस समय प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु की भलाइयों के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु के उपकारों के लिए, प्रभु के कभी ना बदलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि वो कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए हर समय एक सा बना रहता है। प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें त्यागा नहीं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमें इस समय में लेकर आए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमें इस सोमवार के दिन, इस मंडे को प्रभु ने हमें दिखाया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े ही आश्चर्य कर्म करे। आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की भलाइयों को स्मरण करते हुए, प्रभु के प्रेम को स्मरण करते हुए, प्रभु की दया को स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। आज आपके और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आइए क्यों ना आज की सुबह को इस अपॉर्चुनिटी को ले लें, आइए क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ले लें और प्रभु को धन्यवाद दें, आइए क्यों इस अपॉर्चुनिटी को ले लें और प्रभु को धन्यवाद दें, आइए क्यों इस अपॉर्चुनिटी को ले लें और प्रभु को धन्यवाद दें, आइए इस अपॉर्चुनिटी को ले लें और प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रभु महान है, वो प्रभु दया करने वाला है। आज की सुबह को प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। ये सुबह शायद हम सब के लिए नॉर्मल और कॉमन लग सकती है, हमें ऐसा लग सकता है कि ये सुबह जो है, ये सुबह का समय जो है, ऐसे कई मंडे हमारी लाइफ में है, ऐसे कई सोमवार हमारी लाइफ में है। जब आप आज सुबह उठे होंगे, आपने सुबह की वैल्यू को नहीं समझा होगा, आपको लगा होगा कि ये सुबह दूसरी सुबह जैसी ही एक सुबह है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर सुबह जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में आती है, हर सुबह परमेश्वर की दया के कारण हमारे जीवन में आती है। और वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस अनुग्रह को लेकर आया, इस दया को लेकर आया कि आप और मैं आज के इस दिन में प्रवेश कर पाए, आप और मैं इस सुबह में प्रवेश कर पाए। आइए क्यों ना खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, आइए क्यों ना प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, 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 प्रभु की भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कई लोग इस समय अपने सुबह के कई महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे होंगे, इस समय प्रभु के उस उपस्थिति में बैठकर प्रभु से मांग रहे होंगे, प्रभु से बातचीत कर रहे होंगे, प्रभु से कह रहे होंगे, प्रभु मुझे तुझे देखना है, पिता परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु जी, प्रभु मुझे प्रभु इस संपूर्ण सप्ताह में प्रभु अपने कार्यों को करने के लिए तेरे साथ की जरूरत है। आइए क्यों ना प्रभु को पुकार ले, आइए क्यों ना प्रभु से मांगे, आइए क्यों ना प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे। मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित कर कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों इस समय अपने आप को प्रिपेयर करें, इस समय अपने आप को तैयार करें, इस संपूर्ण वीक में, इस संपूर्ण मंथ में जब आप प्रभु के चरणों के पास आ रहे हैं, इस संपूर्ण मंथ में, इस वीक में जब आप प्रभु के चरणों के पास आ रहे हैं, जरूर ये इस सितंबर के उन 2-3 दिनों के आखिरी का समय चल रहा है, जरूर इस समय हम लोग इस मंथ के एंड में हैं। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा इस मंथ में मैंने कई बातों को एक्सपेक्ट किया था, इस मंथ में मैंने कई बातों को सोचा था, इस मंथ में मैं प्रभु से कई बातों की उम्मीद कर रहा था, मगर तभी भी मैंने उन उम्मीद उन 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 प्रेयर के आंसर को नहीं पाया,
मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी सितंबर खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं कि अभी भी सितंबर खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी भी आपको उत्साहित कर कहना चाहता हूं, अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ है। प्रभु ने जो सितंबर के लिए आपके लिए ब्लेसिंग रखी है, प्रभु ने जो फेवर सितंबर के लिए आपके जीवन में रखा हुआ है, वो फेवर प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है, वो दया प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। आपको और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा आपकी और मेरी ओर है। वो सेनाओं का यहोवा आपके और मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो सेनाओं का यहोवा आपकी और मेरी आवाज सुनने के लिए इस स्थान पर है। इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस समय जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित कर कहना चाहता हूं, क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा ले, क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा ले, और कोई मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करे, कोई मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करे, कोई मिलकर प्रभु की भलाइयों को याद करना प्रारंभ करे, कोई प्रभु से कहे, प्रभु आपने प्रभु इस सोमवार के दिन में, इस सप्ताह के प्रभु इस सोमवार में पिता परमेश्वर आप मुझे लेकर आए, जब मैं अपने दिन को प्रभु शुरुआत कर रहा हूँ, जब मैं अपने इस वीक को स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रभु मैं आपके चरणों के पास आ जाता हूँ। आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने आपको जीवित रखा, प्रभु ने आपको महामारी से बचाया, प्रभु ने आपके परिवार को जीवित रखा, महामारी से बचाया, धन्यवाद देते हैं। कई लोगों के जीवन में ये महामारी आई भी होंगी, मगर प्रभु ने उसमें से भी आपको निकाला, प्रभु को धन्यवाद दें। आइए क्यों ना प्रभु की भलाइयों को याद करें प्रियो, आइए क्यों ना प्रभु के उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को याद करें, प्रभु के प्रेम को याद करें। वो प्रभु भला है, वो प्रभु भला है, वो प्रभु भला है और वो प्यार करने वाला है, वो प्रभु भला है और वो प्यार करने वाला है। इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। बिलीव करें, सेनाओं का यहोवा कुछ बेहतर करने जा रहा है। उम्मीद करें, सेनाओं का यहोवा कुछ बेहतर करने जा रहा है। उम्मीद करें, राजाओं का राजा कुछ बेहतर करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज लोगों की परिस्थिति में जो खारापन आ गया है, आज लोगों की परिस्थितियों में प्रभु जो पिता परमेश्वर खड़वाहट आ गई है, प्रभु आप उन्हें प्रभु उनके जीवन के प्रभु उस कड़वाहट को दूर करने जा रहे हैं। प्रभु इस समय सारी परिस्थितियों को हम आपके हाथों में सौंप देते। आज आपका वचन हमसे बातचीत करे, आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, और होने दीजिए प्रभु जी, हम आपकी बड़ी बेदारी को, होने दीजिए हम आपकी बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देखने पाए। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य अनुग्रहकारी और कभी ना बदलने वाले नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। आप जितने लोग मुझे इस समय अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं, जितने लोग अपने दिन की शुरुआत जो है प्रभु के वचन के साथ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी गंभीरता के साथ इस वचन को सुने, बड़े ही गंभीरता के साथ प्रभु के इस वचन को ग्रहण करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि आप यदि संभव हो सके तो अपने कामों को छोड़कर अपने मोबाइल को अपने पास में रखें, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिए, प्रार्थना के भाव में बैठिए, जिससे कि प्रभु का सामर्थी वचन आपसे आज की सुबह में बात करने पाए। यदि आप अपने परिवार वालों को साथ में लेकर बैठ सकते हैं, इससे भली बात और कुछ नहीं हो सकती है। आइए क्यों ना प्रभु से उम्मीद करें कि प्रभु आज के सुबह में आपके जीवन में कुछ बेहतर करने पाए। हालेलुया। आज हम लोग एलिशा के और एक मिरेकल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम एलिशा का दूसरा मिरेकल भी कह सकते हैं, एलिशा का के द्वारा किया गया दूसरा चमत्कार भी कह सकते हैं। इस एलिशा के इस मिरेकल के को हम लोग अध्ययन करेंगे, और हम लोग जब इसे अध्ययन कर रहे हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे उनकी परिस्थितियों में चमत्कार हुआ, वैसे ही आपके जीवनों में चमत्कार होने पाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी लाइफ पर, आपके जीवन पर प्रभु के वर्ड्स को डिक्लेयर करूँ। मैं चाहता हूँ कि भविष्यवाणी के शब्दों को आपके जीवन पर डिक्लेयर करूँ। इतना ही नहीं मैं चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में आज प्रभु के भविष्यवाणी के शब्दों को डिक्लेयर करें, आप भी प्रभु के उन प्रोफेटिक वर्ड्स को आपके जीवन में डिक्लेयर करें। जिन दो प्रॉफिट्स की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये वो प्रॉफिट थे जिन्होंने पुराने नियम में, इनका एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था, ये वो प्रॉफिट्स थे जिन्होंने
जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही डर और भय के साथ किया। ये वो प्रॉफिट्स थे जो एक कहना चाहिए इनका लेवल, प्रॉफिटिक लेवल बहुत हाई था। यदि हम लोग एलिया के विषय में देखें, आप लोगों को पता है कि एलिया को परमेश्वर स्वर्ग में उठाकर लेकर गया। इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो साधारण प्रॉफिट नहीं था। जब हम लोग एलिशा के विषय में बात कर रहे हैं, एलिशा ने उससे दुगना काम किया। इसका मतलब वो भी साधारण नहीं था। और मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज कर रहा हूँ कि यदि हम लोग प्रॉफिट्स के बारे में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, आइए क्यों ना उस प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करें, आइए क्यों ना उस प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करें। ये प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग पास्टर किसके पास है? हर एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, वे सारे के सारे लोग प्रोफेटिक मूव हो सकते हैं। जरूर इसमें लेवल्स होते हैं, जरूर इसमें भिन्नताएं होती है, जरूर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, जरूर इसमें लेवल्स अलग होते हैं, मगर जो परमेश्वर की संतान है वो प्रोफेसी कर सकते हैं। प्रोफेसी का मतलब क्या है? प्रोफेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के भविष्य के विषय में बताना, प्रोफेसी का मतलब यह है परमेश्वर के वर्ड को लोगों तक पहुंचाना। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोफेसी का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है लोगों के जीवन में भविष्य को बताना। फिर से ध्यान से सुनिए, प्रोफेसी का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि लोगों के भविष्य को बताना, लोगों के नाम और नंबर को बताना, मगर भविष्यवाणी का मतलब यह है परमेश्वर के वर्ड्स को, फिर से सुनिए, परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाना। इसलिए यूहन्ना के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है यह भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर है। यूहन्ना भविष्यवक्ताओं से क्यों बढ़कर था? क्या यूहन्ना ने लोगों के जीवन के विषय में भविष्यवाणी करी थी, अर्थात क्या उसने उनके नाम, उनकी डिटेल्स बताई थी? बिल्कुल नहीं। मगर यूहन्ना ने क्या किया था पता है? यूहन्ना ने परमेश्वर के आने की तैयारी करी थी, यूहन्ना ने परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार किया था, यूहन्ना ने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह जब आने वाले थे, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया था। जो व्यक्ति परमेश्वर के उस यीशु के उस दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो व्यक्ति के पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग मींस जो परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचा सके। यदि आप प्रभु की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के गॉस्पल को यदि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि वो यीशु के जिंदा कलाम को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, इसका मतलब यह है आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए वो भविष्यवक्ता है जो प्रभु की आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे। हालेलुया। जब हम लोग इस विषय में पर्टिकुलर अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रॉफिट्स के बारे में सीख रहे हैं, हम लोग एलिया और एलिशा के बारे में सीख रहे हैं, उनके चमत्कारों के विषय में जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, होने दीजिए कि इस समय आप उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में अपने स्वयं के लिए प्रोफेसी करें। हम कई बार लोगों से उम्मीद करते हैं, हम लोग कई बार प्रॉफिट से उम्मीद करते हैं, हम लोग कई बार परमेश्वर के दासों से उम्मीद करते हैं। यदि वो हमारे जीवन पर कुछ कहेंगे तो हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं जब आप स्वयं अपने जीवन के लिए कुछ कहते हैं, जब आप अपने स्वयं के लिए भविष्यवाणी करते हैं तब भी परिस्थितियां बदलती है। जब आप स्वयं के लिए भविष्यवाणी करते हैं तब भी प्रभु परिस्थितियों को बदलता है। आइए क्यों ना आज की सुबह में जब हम लोग इन वचनों पर मनन कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए भी प्रोफेसी करें, हम अपने आप के लिए भी भविष्यवाणी करें। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कुछ बेहतर करने जा रहा है प्रियो। हालेलुया। आइए समय हम लोग 2 Kings 2:19 भी आयत से हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं इसका दूसरा अध्याय और इसकी 19वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दो चमत्कारों का वर्णन किया गया है, मगर आज जो है हम लोग एक चमत्कार के विषय में बातचीत करेंगे। अब बड़े ध्यान से और बड़ी गंभीरता से इस वचन को समझने की कोशिश करें। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि इस वर्ड को मैं शेयर करूं, सब लोग इसे इस फेसबुक लाइव को लोगों के साथ शेयर करें। आप व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर यदि आप इसे शेयर करते हैं तो जल्दी जल्दी से शेयर करें। जिन जिन लोगों ने शेयर कर दिया है ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं जान सकूं आपने शेयर कर दिया है। मंडे के दिन नॉर्मली लोग ज़्यादा रेस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ज़्यादा लोग आज जुड़े नहीं हैं, मगर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को प्रभु ने ठहराया है वो लोग आज प्रभु के वचन को सुनेंगे
समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। वंडरफुल श्वेता, आपने शेयर किया है, मुक्ति ने शेयर किया है, और कोई जिन्होंने शेयर किया है जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे। निखिल ने शेयर किया है, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी मुझे बताएं, मुझे एक मिनट का समय भी दें। ठीक है, सो राहुल भाई ने शेयर किया है, अभिलाषा ने शेयर किया है, रोनाल्ड बिया ने, वंडरफुल। अब बड़े ध्यान से इस वचन की ओर मनन करें, इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, एक नगर है उसके निवासियों ने, वहां के रहने वालों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है। ये नगर जो है मनभावने, मन को भाने वाला, एक ऐसा स्थान जहां पर डिजायर होती है, जहां पर इच्छा होती है कि यहां पर मेरा घर होना चाहिए, यहां पर मेरी जगह होना चाहिए, यहां पर मेरा लैंड होना चाहिए, यहां पर मुझे रहना है। ये जो नगर है वो मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। एलिशा को भी दिखाई दे रहा है कि ये नगर बड़ा ही सुंदर है, ये एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जो बड़ा ही सुंदर है, जहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ के साइट सीन बहुत अच्छे हैं, जहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, सब कुछ जो दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है। ये नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, और लिखा हुआ है जैसा मेरा प्रभु अर्थात एलिशा जो है वो देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यहाँ का जो पानी है वो बुरा है और जो भूमि है वो गर्भ गिराने वाली है। इस पर हम लोग बात करेंगे और अगली आयत पढ़ते हैं। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न हो। अब जब हम लोग पहले इस आयत की बात करते हैं, मैं इन दिनों में जो प्रकाशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो रेमा वर्ड प्रभु मुझे देता है, जो प्रकाशन प्रभु मुझे देता है, इससे हम लोग इस हमारे अभी के समय में, इससे हम अभी के समय में क्या सीख सकते हैं, हमारी लाइफ में इस समय ये किस तरीके से काम आ सकता है, उस बातों पर मैं मनन करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो नगर जो था वो बड़ा ही मन भावना था, मन भावने स्थान पर बसा हुआ था। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यहाँ का पानी जो है वो बुरा है, जब पानी बुरा है तो ये भूमि जो है, ये स्थान जो है वो गर्भ गिराने वाला है। देखिए, हमारे जीवन में जब हम लोग इस सिटी के, इस नगर के या शहर की बात करें, ये बड़े ही मनभावने स्थान पर जो है वो बना हुआ है। मुझे ऐसा कहने दीजिए, जब भी किसी स्टेट में, जब भी किसी स्टेट के किसी शहर में या किसी सिटी में कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है, कोई बड़ी कंपनी आने वाली होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है, वो सबसे पहले उस शहर की सुंदरता को नहीं देखते हैं, वे देखते हैं कि यहाँ पर जो सोर्स है, अर्थात यदि हमारी कंपनी में यदि हमें बहुत सारा पानी लगेगा तो यहाँ पर ये पानी अवेलेबल होगा क्या, यहाँ पर हमें बहुत बड़ी जगह लगेंगी वो जगह अवेलेबल होंगी क्या, यहाँ की जमीन जो है, या ऐसा कहना चाहिए कि यदि कोई खेत यदि खरीदता है या कोई भी अनाज उगाने के लिए यदि उस लैंड को, उस खेत को खरीदता है, तो वो देखता है कि जमीन कैसी है। यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि ये शहर जो है, ये नगर जो है, ये मन भावने स्थान पर बसा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये इस शहर की लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो पहाड़ और सुंदरता है ये भी शायद बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है
वो बहुत अच्छा है। यहां पर ये मन भावना स्थान पर दिख रहा है, मगर यहां की समस्या क्या है पता है? यहां की समस्या और मेजर प्रॉब्लम, कठिन समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पर लिखा हुआ है, परंतु पानी जो है वो बुरा है, पानी जो है वो बुरा है, यहां का पानी अच्छा नहीं है। इवन हम भी यदि अपने लिए रहने के लिए अगर घर देखने जाते हैं तो वहां पर चेक करवाते हैं, वहां पर हम लोग पर्टिकुलर उन लोगों को बुलाते हैं जो पानी को चेक करते हैं, वो आते हैं और वो अपने वो इक्विपमेंट के साथ पानी को चेक करते हैं, ये पानी में खराबी तो नहीं है, ये पानी आपके शरीर के लिए खराब तो नहीं होगा। यहां पर बाइबल कहती है सब कुछ तो अच्छा है मगर पानी खराब है। यहां पर कई लोग अपने जीवन में इस बात को देखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी बातें जो है वो बाहरी तौर पर बहुत अच्छी दिखती है, वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, वो जिस घर में रहते वो बहुत अच्छा है, वो जिस कार को ड्राइव करते हैं वो बहुत अच्छी है, वो जिस जॉब को करते हैं वो जॉब बहुत अच्छा है, उनके पास जो सैलरी आ रही है वो बहुत अच्छी है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है पता है? उनके जीवन में एक ऐसी कमी है जो सारी अच्छाइयों को पर पर्दा डाल देती है। यहां पर लिखा हुआ है यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर लिखा हुआ है यहां पर एक समस्या है। बाहर से तो ये शहर ये नगर बहुत सुंदर दिखता है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जिस स्थान पर यह बहुत अच्छा है। कई लोगों के जीवन बाहर से तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, कई लोगों के जीवन की परिस्थितियां बाहर से तो बहुत अच्छी दिख रही है, कई लोगों की लाइफ जो है बाहर से तो बड़ी ही सुंदर और अच्छी दिख रही है, मगर प्रॉब्लम क्या है? उनके जीवन में कुछ एक कमी है जिसके कारण वो अच्छाइयां भी जो है वो कोई काम की नहीं है। यहां पर यह सिटी की लोकेशन जो है वो कोई काम की नहीं है यदि पानी खराब है तो। ये शहर कितने मन भावने कितने अच्छे स्थान पर बसा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है यदि यहां का पानी खराब है तो। रीजन क्या है पता है? पानी हर चीज से कनेक्टेड है, यदि पानी अच्छा नहीं होगा तो जो पीने वाले रहेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, भूमि उपजाऊ नहीं बनेगी इस पानी के कारण। पानी इंपॉर्टेंट है और बाइबल कहती है ये नगर बहुत अच्छे स्थान पर मनभावने स्थान पर है, मगर समस्या क्या पता है? समस्या एक समस्या है, यहां का पानी खराब है। आपके जीवन में शायद बहुत सारी चीजें सुंदर दिख रही है, लोग कह रहे होंगे इसके पास ये है वो है, इसके जीवन में ये सारी चीजें ये अच्छी चीजें, मगर एक वो कोई ड्रॉबैक है, एक वो कोई समस्या है आपके जीवन में जो आपकी सारी बातों पर पर्दा डाल दे रही है, या मुझे ऐसा कहने दीजिए वो कोई कमी है जो आपके जीवन पर पर्दा डाल दे रही है। वो शायद कमी हो सकती है आपका बड़बोला होना, आपका किसी को बड़ा ही चुभाकर बोलना, वो कमी हो सकती है शायद आपका लोगों के प्रति अपने मन में बैर को रखना, वो कमी हो सकती है शायद आपका क्रोध, वो कमी हो सकती है शायद आपका आपकी आंखों का खराब होना और गंदी नजरों से लोगों को देखना, वो शायद कमी हो सकती है लोगों के प्रति अपने मन में बैर को बनाए रखना, शायद वो कमी हो सकती है आपका आपके धन से बहुत ज्यादा प्यार करना, शायद वो कमी हो सकती है वर्ल्ड की लाइफ में आपका लिप्त रहना, शायद वो कमी हो सकती है आपका आपकी जॉब पर ज्यादा फोकस करना और प्रभु के वचनों पर कम फोकस करना, कमी कुछ भी हो सकती है, शायद बाकी की चीजें परफेक्ट दिख रही है मगर वो एक कमी जो है आपके जीवन में समस्या का सबब बनी हुई है। एक जवान व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर कहता है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सारी आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं जो बाइबल में लिखी है, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, उसने सारी उन 10 आज्ञाओं को बताया। वो कहता है कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मगर यीशु जानते थे उसके अंदर कमी क्या है, यीशु जानते थे वो आज्ञाओं का पालन करता है, वो यहां पर मुझसे अनंत जीवन के बारे में भी पूछने आया है, ये जवान भी है, इतना ही नहीं वो समृद्ध व्यक्ति था, ये परफेक्ट है इसकी लाइफ, ये समृद्ध है, ये प्रतिष्ठित है, ये जवान है,
ये मेरे पास पूछने के लिए भी आया है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। ये दिख तो बहुत अच्छा रहा है, मगर यीशु उसकी कमी को जानते थे। यीशु उससे कहते हैं, तुझमें एक बात की कमी है, जा और जाकर अपनी सारी संपत्ति को खंगालों में बांट दे। उसकी समस्या क्या थी पता है? कि वो जरूर प्रभु के पास अनंत जीवन के बारे में पूछने आया था, मगर उस अनंत जीवन से भी ज्यादा वो अपने पैसों से प्यार करता था, वो अपनी संपत्ति से प्यार करता था। और बाइबल कहती है वो अपने मुंह को लटका कर वहां पर चला गया। चर्च के लोगों, हमारा जीवन शायद बाहर से बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है, आपकी जिंदगी बाहर से शायद बड़ी ही खूबसूरत दिख रही है, मगर वो अंदर जो आपके जो भरा हुआ है, उन कमियों को यहोवा परमेश्वर जानता है, उन समस्याओं को यहोवा परमेश्वर जानता है। शायद आज बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, शायद वो आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो आपका कोई पाप हो सकता है जो आप हर दिन कर रहे हैं, शायद आप किसी प्रॉब्लम में ऐसे फंस गए हैं, सब कुछ बाहर से अच्छा दिख रहा है मगर वो प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे। बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या हुआ है। परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। ये जो भूमि है वो गर्भ गिराने वाली है। ये भूमि गर्भ गिराने वाली का मतलब क्या है पता है? सुनिए ध्यान से, हम लोग एक भूमि के विषय में पुराने नियम में पढ़ते हैं जिसे हम लोग मरुभूमि कहते हैं, जिसे हम लोग विल्डरनेस का वो स्थान कहते हैं। विल्डरनेस का मतलब या फिर उस मरुभूमि का मतलब क्या है? मरुभूमि का मतलब ये है जहां पर जो कुछ भी बोया जाए उसका रिजल्ट क्या आएगा पता है? उसका रिजल्ट जो है वो शून्य आएगा। जहां पर जो कुछ बोया जाए उस मरुभूमि में, उस विल्डरनेस में जो कुछ बोया जाए उसका फल जो है, उस मरुभूमि का फल जो है वो जीरो आएगा। यहां पर बाइबल कहती है कि ये जो भूमि है वो गर्भ गिराने वाली है, ये स्थान जो है वो गर्भ गिराने वाला है। आप अपने जीवन में बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपने इस बात को ट्राई किया, आपने इस बात को ट्राई किया, आपने ये प्रोफेशन ट्राई किया, आपने वो प्रोफेशन ट्राई किया, इस सिटी में जो कुछ करा जा रहा है वो सब कुछ फेल हो रहा है, चाहे ये मन भावने स्थान पर बनी क्यों ना हो, ये चाहे बहुत अच्छी इसकी लोकेशन क्यों ना हो, चाहे ये बहुत मन भावने स्थान पर क्यों ना बनी हो, मगर यहां पर जो है ये भूमि जो है वो गर्भ को गिरा रही है, अर्थात जो कुछ बोया जा रहा है वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। आपके जीवन में आप एफर्ट लगा रहे हैं, आपके जीवन में आप ट्राई कर रहे हैं, आप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे आप रिजल्ट आपका क्या निकल रहा है? वो भूमि जो है वो गर्भ गिरा रही है, वो सिचुएशन जो है वो आपको प्रॉस्पर नहीं होने दे रही है, वो जो सिचुएशन है वो आपको उस समस्या में से ओवरकम नहीं करने दे रही है, आप उस समस्या में लिप्त लिप्त और लिप्त होते जा रहे हैं। आप ऐसे कितने लोगों ने कभी ऐसे दलदल या कीचड़ को देखा है मुझे नहीं पता। जितने लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं जरूर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि इस समय आप प्रभु के वचन की ओर ज्यादा फोकस करें। प्रभु के वचन में ही आपकी प्रेयर का आंसर है, प्रभु के वचन में ही आपका प्रेयर का आंसर है। मेरे बोलने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, मगर जो प्रभु का वचन मैं आपको दे रहा हूं इसमें सामर्थ्य है, इस वचन में सामर्थ्य है। इस व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है, इस वचन में सामर्थ्य है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बहुत छोटे थे और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मैं 3 या 4 साल का, 4 या 5 साल का मुझे एग्जैक्टली एज नहीं याद है, और हम लोग हमारे घर के पास उस समय अपने बड़े भाई के साथ, बहन के साथ, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ, हम हमारे घर से थोड़े दूर गए और हमें नहीं पता था कि वो पर्टिकुलर जगह पर एक दलदल जो कीचड़ या दलदल था, और हम लोग वहाँ पर ऐसे खेलते खेलते पता नहीं कैसे चले गए। हम लोग जब वहाँ पर गए, मुझे वो इंसिडेंट्स, मुझे वो घटना बहुत अच्छी तरीके से याद है। वो घटना इस प्रकार से थी कि हम लोग वहाँ पर खेलने के लिए गए, और जब हम लोग वहाँ पर खेलने के लिए गए हम जब आगे आगे थोड़ा सा बढ़े तो एक दलदल टाइप था, और जैसे ही उस दलदल में हम लोग जाने लगे, हम लोग खेलते खेलते वहाँ पर गलती से पहुँच गए, और जैसे ही वहाँ पर गए मैं इस बात को
फील करने लगा कि मेरा पैर जो है वो नीचे नीचे अंदर अंदर जा रहा है। मैंने उस पैर को निकाल कर दूसरे पैर को डाला, तीसरे को डाला, मगर मैं इस बात को फील करने लगा कि कहीं ना कहीं मैं उस कीचड़ में या गारे में नीचे 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 जा रहा हूँ। मेरे मेरे बड़े भाई ने मेरे मेरे वहाँ पर जो भी और बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ कर जो है मुझे और मेरे और जो दूसरे लोग जो वहाँ पर फंस रहे थे उन लोगों को निकाला। और मुझे बाद में अपने लाइफ के उस बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट्स तो याद नहीं है, मगर वो एक इंसिडेंट्स मुझे बहुत याद रहा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको डर लगता है, जहाँ पर आपको टेंशन होता है तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है। और यहाँ पर ये जो डर मेरे अंदर जो फियर मेरे अंदर आया, वो फियर जो था वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है ये मेरे जहन में वो बस गया। कई बार पता है आपकी सिचुएशन ऐसी ही होती है, आप यहां से निकलते हैं फिर आपका पैर यहां पर अटक जाता है, आप यहां से निकलते फिर आपका पैर अटक यहां पर जाता है, यहां से आप सिर्फ उन समस्याओं में फंसे रहते हैं। जो भूमि है वो एग्जैक्टली क्या कर रही है पता है? वो भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। गर्भ गिराने का मतलब है हमने जो कुछ बोया सब खत्म हो गया, हमने जो कुछ बोया सब कुछ खत्म हो गया। हमने हमारी कलीसिया में या बहुत सारे जगह पर हमारे कुछ ऐसे पहचान वाले उनके जीवन में भी इस बात को देखा। हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे और कई प्रार्थनाओं का आंसर हमें मिला है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं। मैं मुंबई में था और मुंबई में एक फैमिली थी, नए फेथ में आई थी, और उस बहन की टेस्टमनी या उस बहन का ये बात ये थी कि उसने 5 बार कंसीव किया, उसने 5 बार कंसीव किया, मगर 5 बार जैसी ही 6th या 7th month आता था उसके उसके उस प्रेगनेंसी पीरियड का, वो बच्चा जो है उन्हें उन्हें उस कॉम्प्लिकेशन के कारण अवॉइड करना उसे अबॉर्ट करना पड़ता। और जस्ट इमेजिन करिए कैसी वो ब्लेसिंग, वो खुशी कितनी होती होंगी जहां पर लोगों को, परिवार को पता चला कि हमारे घर में संतान होने वाली है। वो माता को पता चला, वो उसने उसने उस प्रारंभिक दिनों में उस दर्द को सहा, उसने उस पेन को सहा, और जब 7 महीने हो गए, 7 महीने, अब उसे लगा कि बस 2 महीने का समय और है, मैं 7 महीने से उस बेबी को, उस बच्चे को अपने अपने शरीर में लेकर चल रही हूँ, और 2 महीने के बाद ये बच्चा जो है वो इस पृथ्वी पर आएगा। मगर 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यदि अबॉर्शन करवाना पड़े तो उसे लगेगा मैंने जो कुछ अपने जीवन में ब्लेसिंग पाई थी मैंने सब कुछ लूज कर दिया। कई बार प्रियो हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, हम लोग उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में लेते हैं और हमें लगता है कि ये ब्लेसिंग जो है आगे चलकर बहुत ही आनंद देने वाली है, मगर जैसे ही उस आनंद के पास में आने का समय होता है आप उसे लूज कर देते हैं, आप उसे खो देते हैं, आप उस ब्लेसिंग को खो देते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बाहर से ये नगर जो है ये एक ऐसी लोकेशन पर है, एक ऐसी जगह पर है जहां पर से ये मन भावनी जगह है, मन को भाने वाली, जैसी हम चाहते थे वैसी जगह है, मगर समस्या ये है यहाँ का पानी अच्छा नहीं है और यहाँ की भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। हालेलुया। आपकी सिचुएशन इन दिनों में, आपकी सिचुएशन कई लोगों की शायद ऐसी ही चल रही होगी, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं वो एलिया का परमेश्वर, वो एलिशा का परमेश्वर जो कल आज और युगानुयुग एक जैसा है, यदि उसने इस मन भावने जगह पर जहां का पानी खराब था, जहां की भूमि गर्भ गिराने वाली थी, ऐसे सिचुएशन में प्रभु ने चमत्कार किया है, और वो चमत्कार मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। पास्टर आप ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आप भी डिक्लेयर करिए,
आप भी अपनी लाइफ पर डिक्लेयर करें, यदि हम यीशु से नहीं मांगेंगे हम किससे मांगेंगे, हम हमारे फेथ को यीशु पर नहीं रखेंगे हम किस पर रखेंगे। आप लोगों पर फेथ कर यदि आप कर रहे हैं, आप यदि पास्टर पर फेथ कर रहे हैं, यदि आप किसी बड़े मैन ऑफ गॉड पर फेथ कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु पर फेथ करिए। जरूर हमसे कहिए, हम आपके लिए मिलकर आपके साथ प्रार्थना करेंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका पूरा का पूरा ध्यान यहोवा परमेश्वर की ओर, उस यीशु की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या हुआ है। यहां पर पानी बुरा है, यहां पर भूमि गर्भ गिराने वाली है। 20वीं आयत में उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और उसे उसके पास ले आए, वे उसे उसके पास ले आए, तब वह नए प्याले में नमक डालकर लेकर आओ, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने उसमें नमक डालकर कहा। वो जल का जो सोता था, वो जल का जो प्रारंभ था, वो जल का सोते का मतलब होता है जहां से जल आता है, जहां से जल का प्रारंभ है, उसने वहां पर जाकर क्या किया पता है, उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु के लोगों, इस समय होने दीजिए, मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करूं। आप कहेंगे पास्टर क्या आप अपने आप को एलिशा समझ रहे हैं, पास्टर क्या आप अपने आप को एलिशा समझ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं शायद मैं एलिशा या एलिया नहीं हूं, मगर मैं विशाल हूं जिससे परमेश्वर ने चुना है। आप कहेंगे पास्टर क्या मैं भी अपनी परिस्थिति के लिए ऐसा कह सकता हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एलिया और एलिशा तो परमेश्वर को यहोवा और परमेश्वर कहकर पुकारते थे, मगर आप परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर पिता कर पुकारने वाले लोग हैं। इसलिए यदि एलिशा इस वर्ड को रिलीज कर सकता है, यदि एलिशा इस शब्द को कह सकता है, विशाल भी इस शब्द को कह सकता है, निशा दीदी भी इस शब्द को कह सकती है, श्वेता भी इस शब्द को कह सकती है, सिस्टर सुरेन भी इस सुजैन भी इस शब्द को कह सकती है, सिस्टर रोहिणी इस शब्द को कह सकती है, हालेलुया, अवनीत इस शब्द को कह सकता है, अवनीत इस प्रोफेसी को कर सकता है, ब्रदर रिचर्ड इस प्रोफेसी को कर सकते हैं। क्यों ऐसा है पता है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो पवित्र आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। आइए समय जब मैं आपके जीवन पर इस वर्ड को डिक्लेयर करता हूं, आइए इसे रिसीव करें, आइए इस बात पर प्रोक्लेम करें। इसका यह मतलब नहीं है मैंने कुछ कहा और आप सिर्फ लिख दे आई रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ कहूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वर्ड को रिसीव करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं बिलीव करना प्रारंभ करें। आपका शहर बड़ा ही सुंदर दिख रहा होगा, आपकी परिस्थितियां बड़ी ही सुंदर दिख रही होंगी, आपके जीवन में सब कुछ बड़ा ही बाहर से अच्छा दिख रहा होगा, मगर देयर इज अ लैक इन योर लाइफ, मगर आपके जीवन में वो कमी है आपके जीवन में, मगर वो पानी जो है वो खारा है, वो भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। यदि ऐसी परिस्थिति आपके अंदर चल रही है, जब मैं आपके जीवन पर इस वर्ड को डिक्लेयर करता हूं, आइए क्यों ना इसे रिसीव कर ले, आइए क्यों ना इस वर्ड को रिसीव कर ले, इस बात को जानकर नहीं क्योंकि ये नमक में कुछ है, इस बात को जानकर नहीं क्योंकि इस परमेश्वर के दास में कुछ है, मगर इस बात को जानते हुए जो परमेश्वर का दास कह रहा है वही सेना के यहोवा की वाणी है। हालेलुया। एक प्रॉफिट की कॉलिंग क्या है पता है, प्रभु जो कह रहा है वो उनके आने सामने के वाले लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में उस वर्ड को कहे। आइए क्यों ना इस प्रभु के वचन को मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करूं, आइए क्यों ना आप अपने जीवन में इस प्रभु के वर्ड को डिक्लेयर करें। पास्टर क्या मैं अपने जीवन में प्रोफेसी कर सकता हूं, यस ब्रदर, यस सिस्टर, यू कैन प्रोफेसाई फॉर योर सेल्फ। आप अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने स्वयं के लिए भविष्यवाणी के वर्ड कह सकते हैं, आप अपने स्वयं की परिस्थिति के इस खराब जल को स्वादिष्ट कर सकते हैं, आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों के लिए, उस भूमि के लिए जो गर्भ गिराने वाली है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो आशीष देने वाली नहीं है, उस भूमि की परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। कैसे पता है, जब आप कहेंगे। हालेलुया। चर्च के लोगों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं समय आपके जीवन पर इस वर्ड को डिक्लेयर करता हूं। जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, जब आप इस शब्द को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे रिसीव करें, मैं चाहता हूं कि आप इसे रिसीव करें यीशु के नाम में, विशाल के नाम में नहीं, यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वर्ड को रिसीव कर लीजिए। यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी अर्थात आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति
ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होने पाए। मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं, मैं आपकी परिस्थितियों में डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां खराब चल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो परिस्थितियां ठीक होने पाए। आपकी भूमि जो प्रोटेक्टिव नहीं है, आपकी भूमि जो फल नहीं ला रही है, आपकी सिचुएशन जो आशीषों को जन्म नहीं दे रही है, आपकी सिचुएशन जो आपके जीवन में ग्रोथ को नहीं लेकर आ रही है, मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज के बाद से आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखें, आज के बाद से आप अपनी सिचुएशन को बदलता हुआ देखें। हालेलुया, रिसीव करें चर्च के लोगों, इस वर्ड को रिसीव करें। इतना ही नहीं, जब मैं बोल रहा हूं नहीं, मगर आप भी अपने घर पर इस बाइबल को ओपन करें, दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय इसकी 21वीं आयत को जोर से अपने घर पर कहें, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं चर्च के लोगों, मैं विश्वास करता हूं चर्च के लोगों, परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। एलिशा परमेश्वर के बिहाफ में होकर काम कर रहा था, आप और मैं प्रभु के बिहाफ में होकर काम कर रहे हैं, प्रभु के बदले में हम लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, और जब हम लोग प्रभु के बदले में यहां पर कार्य कर रहे हैं, प्रभु के बिहाफ में यहां पर कार्य कर रहे हैं, हम जब प्रभु की आवाज बनकर यहां पर काम कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्यों ना अपने जीवन में प्रभु की वर्ड को प्रोक्लेम करें। आइए अपने घर की सिचुएशन को प्रोक्लेम करें, आइए अपने घर की दीवारों पर भी इस बात को कहें, आइए अपने फाइनेंस पर भी इस बात को करें। जो फाइनेंस गर्भ गिराने वाला है, अर्थात जो फाइनेंस जो है वो हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, आइए क्यों ना उस फाइनेंस पर अपने हाथ को रखें और प्रभु से कहें, आज से मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, मेरा फाइनेंस जो है वो आशीषित होगा, मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ सुधरेंगी, मुझे बड़े ब्रेक थ्रू मिलने जा रहे हैं। आइए क्यों ना अपने बीमारी अवस्था पर यीशु के नाम को लें। हालेलुया, निशा टिग्गा आज के बाद कभी नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ, निशा टिग्गा आज के बाद कभी नहीं कहना मैं बीमार हूँ, आज के बाद कभी भी इस वर्ड को प्रोक्लेम नहीं करना, चाहे आप बिछोने पर पड़े क्यों ना हो, मगर नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ। हालेलुया, आइए क्यों ना इस प्रोफेटिक वर्ड को अपने लाइफ पर प्रोक्लेम करें, आइए क्यों ना इस भविष्यवाणी के शब्दों को अपने जीवन पर प्रोक्लेम करें, आइए क्यों ना प्रभु के सामर्थ्य वर्ड को अपनी लाइफ पर प्रोक्लेम करें, आइए क्यों ना अपने इस भविष्यवाणी के शब्दों को अपने जीवन पर प्रोक्लेम करें। यहां पर बाइबल कहती है, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। हालेलुया, आपको पता है बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, यहां पर इस सोते में नमक डाला गया है। हालेलुया, आप कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता है, बाइबल में लिखा हुआ है तुम पृथ्वी के नमक हो, और यहां पर बाइबल कहती है कि यहां पर एलीशा ने उस सोते में जाकर, उस सोते के पास जाकर वहां पर नमक को डाला है। ये नमक किसी और बात का प्रतीक नहीं है, ये नमक है आपका और मेरा प्रतीक है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, हम पृथ्वी के नमक हैं। आपको पता है जब लोगों के जीवन की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, जब ये पृथ्वी बिगड़ी हुई है, मुझे ऐसा कहने दीजिए जब इस इंदौर की परिस्थिति बिगड़ी है, आपके शहर की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, वहां पर प्रभु ने आपको उस नमक के जैसे रखा हुआ है। जब ये नमक डाला गया है, हालेलुया, कैसे समझेंगे, जब इस इंदौर में विशाल को प्रभु ने आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ पर अगर लेकर आया है, प्रभु ऐसे ही नहीं लेकर आया है, प्रभु यहाँ पर इसे नमक बनाकर लेकर आया है, और जिस स्थान पर यह नमक पड़ेगा वहां की परिस्थिति बदलने जा रही है। हालेलुया, आइए सब लोग टाइप कर कर कहें, मेरे शहर में प्रभु ने मुझे नमक के समान रखा हुआ है। आइए सब लोग प्रोक्लेम कर कर कहें, मेरे प्रभु ने मेरे शहर में मुझे नमक के समान रखा हुआ है, मुझे इंदौर में प्रभु ने नमक के समान रखा हुआ है। पास्टर हमने तो कुछ बड़ा नहीं किया, पास्टर शायद आपने भी इंदौर शहर में कुछ बड़ा नहीं किया, मगर हमने शुरुआत कर दी है, हमने प्रभु के उस कार्य के को करने की शुरुआत कर दी है, हमने लोगों की जिंदगी में जो शांति थी हमने प्रार्थनाएं करना प्रारंभ कर दी है,
और हम बिलीव कर रहे हैं प्रभु के नियत समय पर। हमें नहीं पता कि हम लोग एक मोहल्ले के लिए, कॉलोनी के लिए नमक का काम करेंगे, या हम पूरे सिटी के लिए नमक का काम करेंगे, या पूरे देश के लिए हम नमक का काम करेंगे, मगर प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। लोगों के जीवन में परिस्थितियां जो है, उनके जीवन में पानी जो है वो खराब हो चुका है, उनके जीवन की परिस्थितियां खराब हो गई है, और प्रभु आपको उस स्थान पर डालना चाहता है, प्रभु आपको उनकी परिस्थितियों में डालना चाहता है, क्योंकि आप जब जहां पर जाएंगे वहां पर परिस्थितियां बदलेंगे। आपको पता है जहां पर प्रभु का अभिषेक तो कोई भी व्यक्ति जाता है उस जगह की सिचुएशंस बदलती है, वहां पर की परिस्थितियां बदलती है। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई परमेश्वर का दास आता है, मैं इस बात पर बिलीव करता हूं उसके आने से, उसकी प्रार्थना करने से परिस्थितियां बदलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एलिया का सारपत की महिला के घर जाना उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया। एलिशा का शुनेमवासी स्त्री के घर जाना उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, यदि प्रभु का कोई भी दास आपके घर पर आए, यह आपके लिए आशीष का कारण है। कोई भी दास, मैं, क्योंकि कई लोग हमारे चर्च के नहीं है जो मुझे सुन रहे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर पर प्रभु का कोई भी दास आए, छोटा दास आए, बड़ा दास आए, आप जो बेस्ट उसके लिए कर सकते करिए, क्योंकि उनके आने से प्रभु की ब्लेसिंग आएगी आपके घर पर। आप लोग कहेंगे पास्टर कैसे पॉसिबल है ये मनुष्य के आने से ब्लेसिंग आती है क्या? सुनिए, वो जो अनॉइंटिंग को कैरी कर रहा है, वो जो अभिषेक को लेकर चल रहा है, जो प्रभु के ग्रेस को लेकर चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है पता है? प्रभु ने उसे सेवकाई के लिए चुना है। जब प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति आपके घर पर आता है, आपके लिए वो ब्लेसिंग का कारण होते हैं। आप बाइबल को उठाकर देख लीजिए, जहां कहीं ये प्रॉफिट्स गए वहां पर मिरेकल हुआ है। इवन इतना ही नहीं, मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, आप कोई भी जगह पर रहते हैं, यदि आपके घर में कोई भी पास्टर का दास आता है, यदि आपके घर में कोई भी पास्टर या प्रभु का दास आता है, आपको क्या करना है पता है? आप जो बेस्ट उसे कर सकते हैं उसके लिए करिए, जो बेस्ट ऑफरिंग दे सकते दीजिए। हालेलुया। कई लोग इस बात के बड़े विरोध में होंगे, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके घर पर कोई प्लंबर आता है, नल सुधार कर जाता है, आप उसे क्या बोलते हैं? भैया मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप मेरे घर पर आए, आपने नल सुधारा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रभु आपको आशीषित करे, प्लीज जाइए। नहीं, आपके घर पर एसी सुधारने वाला आता है, आपके घर पर कोई भी व्यक्ति आपको कोई सर्विस देने के लिए आता है, आप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं धन्यवाद आप हमारे घर पर आए, हम बड़े ही आनंदित हैं, हम बड़े ही खुश हैं, आपने अपने कदमों को अपने घर पर रखा और आप यहां पर आए, आपने हमारे घर पर यह काम किया, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, वो आपसे कहेगा मैंने आपके घर का काम किया है, मुझे मेरे काम की मजदूरी मिलना चाहिए, और बाइबल कहती है मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए। जो सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो सेवक आपके लिए उस दर्द को अपने घुटनों पर समय व्यतीत कर रहा है, जो परमेश्वर का दास आपके लिए वचन प्रिपेयर करके आपको भोजन खिला रहा है, जो आपकी आत्मा को सुनिए फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते जो आपके शरीर का इलाज करता है, डॉक्टर साहब ये हाथ बहुत दुख रहा है, ये हाथ में बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या करूँ? डॉक्टर कहेगा ये टैबलेट लिखी हुई है इसे ले लेना। आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाकर कहते हो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और वापस आ जाते हो। डॉक्टर कहेगा जो मैंने ट्रीटमेंट किया उसकी फीस मुझे चाहिए। हालेलुया। आपको पता है इस शरीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोल है,
और आपका पास्टर, आपके लोग, आपका परमेश्वर का दास, आपके चर्च के पास्टर आपकी सोल के लिए काम करते हैं। आप कई पापों में तो नहीं गिर रहे? आपकी आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती है? आप प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं? आप प्रभु में कैसे स्थिर रह सकते हैं? वो आपके जीवन के लिए वैसे कार्य कर रहे हैं। आप डॉक्टर को एक मोटी फीस देना पसंद करेंगे जो आपकी शरीर की चिंता कर रहा है, मगर आप उस पास्टर की चिंता नहीं करेंगे, उसके घर में खाने को है या नहीं है आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, जबकि वो आत्मा की आपकी केयर कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद दी तो मेरे चर्च के सारे लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करने और मुझ मेरी केयर करने वाले हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मगर आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, प्रभु का धन्यवाद, मगर यदि आपने अपने पास्टर की केयर नहीं करी है जो आपको आत्मिक भोजन खिला रहा है, जो इस 6 महीने से आपको आत्मिक भोजन खिला रहा है, जो आपकी सोल की चिंता कर रहा है, जो आपकी आत्मा की चिंता कर रहा है, शायद वो प्रचार नहीं करते तो शायद आप भी वर्ल्ड के समान चिंता में बैठे रहते, मगर वो आपको परमेश्वर के वचन को खिला रहा है। हालेलुया! क्या आपने उसकी चिंता करी है? क्या आप किसी भी सिटी से हो, आप किसी भी चर्च के लोग क्यों ना हो, मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, अपने पास्टर की चिंता जरूर करना, अपने पास्टर की केयर जरूर करना, अपने पास्टर की केयर जरूर करना। रीजन सिर्फ इतना है, कारण सिर्फ इतना है, वो आपकी आत्मा की चिंता करने के लिए, वो आपको गाइड करने के लिए प्रभु ने आपको आपके जीवन में उन्हें ठहराया हुआ है। जहां पर प्रभु का दास जाता है वहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। इवन जब आप प्रभु के अभिषेक के साथ कहीं पर भी जाते हैं, आप अपने जॉब पर, आप अपने जीवन के किसी भी स्थान पर जब आप जाते हैं, जहां पर आप जाएंगे वहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। आप किसी स्थान पर किसी फर्म में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके रहने से वहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। हालेलुया! आपके जाने से लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट होता है। हालेलुया! क्योंकि आप प्रभु के उस अभिषेक को कैरी कर रहे हैं, आप प्रभु के उस अनॉइंटिंग को कैरी कर रहे हैं, आप प्रभु की प्रेजेंस को कैरी कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, आप इस बात को जानेंगे, जहां कहीं भी यीशु जाता था, जहां कहीं भी यीशु जाता था वहां चमत्कार होते थे। हाँ या ना? मैं सही बोल रहा हूं? जहां कहीं भी यीशु जाता था वहां पर चमत्कार होते थे। इसलिए बाइबल कहती है यदि यीशु के चमत्कारों को लिखा जाए तो ये पृथ्वी में जगह कम पड़ जाएंगी। इसका मतलब हर सेकंड्स में चमत्कार होते होंगे, हर मोमेंट पर मिरेकल्स होते होंगे। इसका मतलब जहां के यीशु जा रहे चमत्कार ऑटोमेटिक हो रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, यदि यीशु के कहीं जाने से चमत्कार होते थे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि यीशु आपके अंदर से होकर भी कहीं जा रहा है तो क्या चमत्कार नहीं होंगे? क्या लोगों की परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? क्या लोगों की सिचुएशन नहीं बदलेंगी? क्या लोगों के जीवन में परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? क्या किसके जाने से? यीशु के जाने से। मगर उस यीशु को जब आप उस यीशु को अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं, उस यीशु के जाने से, उस यीशु के वहां पर जाने से उनके जीवन की परिस्थितियां बदलती है। चर्च के लोगों, अपने आप को साधारण न समझे, अपने आप को साधारण न समझे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है हम लोग इस बात को भूल गए हैं, हम किसको साथ में लेकर चल रहे हैं। हम तो अपनी प्रॉब्लम के कारण रोते हुए बैठे, पास्टर ये प्रॉब्लम। पता है, इस बात को यदि आप समझेंगे, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, वो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे कहीं जाने से यदि सिचुएशन यदि बदलती है तो मेरे जीवन की सिचुएशन क्यों नहीं बदलेंगी यदि यीशु मेरे साथ है? तो इस बात की कल्पना करिए, यदि यीशु कहीं भी जाता था तो चमत्कार होता था, यदि वो आपके जीवन में आया है तो क्या आपकी लाइफ में मिरेकल्स नहीं होंगे? क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होंगी? क्या आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज नहीं होंगी? 100% होगी। पता है क्यों? क्योंकि जहां कहीं यीशु जाता है वहां पर चमत्कार होता है, जहां कहीं यीशु की उपस्थिति जाती है वहां पर मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया!
आप जहां पर जाएंगे वहां पर मिरेकल होंगे। सुनिए, इमेजिन करिए सिस्टर अनीता को, इनका शायद पार्लर है, मैं इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली थी इसलिए मुझे जस्ट याद आया। सुनिए, मान लीजिए सिस्टर अनीता है, इनका एक बिजनेस है, इनके इनका एक पार्लर है, और इस स्थान पर अब ये उम्मीद कर रही है ये पास्टर प्रेयर कर दे, वो पास्टर प्रेयर कर दे, ये पास्टर प्रेयर कर दे। मगर यदि इसने इन्होंने इसका उल्टा करके अगर इस बात को इमेजिन करना या इस बात पर बिलीव करना प्रारंभ किया, यहोवा या यीशु या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, जब मैं अपने उस पार्लर में एंटर कर रही हूँ, मैं जैसी अपनी परिस्थिति में अपने बिजनेस में एंटर कर रही हूँ, वैसे ही मेरे बिजनेस की परिस्थितियाँ बदल रही है। यदि ये रोज प्रोक्लेम करेंगे, यदि ये रोज बोलेंगी, यदि ये रोज बिलीव करेंगी, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं 100% सिस्टर अनीता अपने उस पार्लर में, अपने उस जॉब में, अपने उस क्षेत्र में डिफरेंस को देखेंगी। मगर अभी क्या हो रहा है पता है, सिस्टर अनीता ये सोच रही है कैसे मेरी समस्या का समाधान हो जाए, जबकि समस्या का समाधान जो है वो अंदर ही है। मैं जब छोटे थे, हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, एक कविता थी या कहानी थी, एक पोयम थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैं शायद फिफ्थ या सिक्स की बात कर रहा हूँ या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मगर मुझे वो घटना बहुत याद रह गई। किसी ने ऐसा बताया था कि मुझे, मैं शायद इस बात में गलत हो सकता हूँ, मुझे करेक्ट करिएगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये वही घटना थी। किसी ने ऐसा कहा था, कस्तूरी मृग करके ऐसा कुछ उस पोयम का नाम था, उस हिंदी की पोयम का नाम था, और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो हिरण होती है, हिरण के शरीर में एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी खुशबू बहुत आती है, और उससे लगता है कि ये खुशबू जो है उसके अंदर से नहीं बाहर से कहीं आ रही है, तो वो खुशबू को सूंघते रहती है, वो सोचती है कि कहाँ से मुझे खुशबू मिलेंगी, मगर एग्जैक्टली वो खुशबू बाहर से नहीं आती है, वो खुशबू ऑलरेडी उसके अंदर ही है, और वही अंदर से वो खुशबू है जो उससे आती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम लोग यहोवा परमेश्वर को, कई बार हम लोग प्रभु को बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रभु इधर मिल जाए, प्रभु इधर मिल जाए, प्रभु उधर मिल जाए, प्रभु इधर मिल जाए, मगर एग्जैक्टली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप इस बात को समझ जाए, आपके अंदर ही वो परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर ही वो प्रेयर को आंसर देने वाला प्रभु है, आपके अंदर ही वो परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है, आपके अंदर ही वो सिचुएशन को बदलने वाला प्रभु है, आपके अंदर ही वो कठोर पानी को, वो गर्भ गिराने वाली भूमि को सही करने वाला प्रभु है, आप समझ जाते हो मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने अंदर ही वो यहोवा परमेश्वर को तलाशने की जरूरत है। नाभि में, यस एग्जैक्टली, उसकी नाभि में, कस्तूरी मृग ही बोलते हैं या एग्जैक्टली, यदि कोई टीचर है तो उनको पता होगा, उसकी नाभि में वो होता है, और वो सुगंध लेती है, उसको लगता है कि बाहर मुझे सब कुछ चीजें मिल रही है, मगर उसके नाभि में ही वो सुगंध होती है। हालेलुया, कई बार हम लोग बाहर वस्तुओं में, वो चीजों में हम लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं, मगर आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया है। हालेलुया, हमें पास्टर से गाइडेंस लेने की जरूरत है, हमें प्रॉफिट से गाइडेंस लेने की जरूरत है, मगर आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, वो परमेश्वर का आत्मा, यस एग्जैक्टली, मैं कितना सही हूं, देखो मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, कस्तूरी मृग ही बोलते हैं उसे। हालेलुया, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर ली, बुरा नहीं मानना, आपको पता है वो कस्तूरी मृग उस हिरन के अंदर ही है, मगर वो खुशबू बाहर ढूंढ रही है, वो यहोवा परमेश्वर आपके अंदर ही है, शायद आप उन्हें वस्तुओं में और चीजों में ढूंढ रहे हैं। फिर से सुनिए, शायद आप अपनी प्रॉस्पेरिटी में यहोवा को ढूंढ रहे हैं, मगर आपकी रियल प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर ही है, आपकी रियल प्रॉस्पेरिटी आपके ही अंदर है, आपकी रियल प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर। मैं इस वर्ड को जब बोल रहा हूं, मैं उस परमेश्वर के आनंद को महसूस कर रहा हूं, आपका, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी चंगाई, आपका आनंद, आपकी सारी भलाइयां जो है वो आपके अंदर ही है, बस प्रॉब्लम ये है आप उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, आप उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, आप उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। लोगों में ईश्वर को मत ढूंढो, आपके अंदर ही
Church, let me proclaim this word upon your life. आपके जीवन में वो सारी परिस्थितियां जो कठोर पानी के जैसे हो गई, वो परिस्थितियां बदलने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप अपने जीवन में प्रभु के भलाइयों को देखें। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सच्ची प्रॉस्पेरिटी को आप समझ नहीं पाए। वो वर्ल्ड में नहीं है मगर वो आपके अंदर है और वो आपका यीशु है, रियल प्रॉस्पेरिटी। और जब आप समझने लग जाते हैं कि वो यीशु ही रियल प्रॉस्पेरिटी, रियल जॉय, वो आनंद, वो सब कुछ यदि आपके अंदर ही है, आप समझ जाएंगे चर्च के लोगों, आपको वर्ल्ड में खुदा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। आपको आपकी प्रेयर के आंसर वर्ल्ड में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो प्रेयर का आंसर आपके अंदर ही है। वो जॉय आपको वर्ल्ड में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो जॉय आपके अंदर ही है। थैंक यू जीसस। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं, आज से लेकर आपकी जिंदगी के अंत तक, आज से लेकर आपकी जिंदगी के अंत तक प्रभु का आनंद, प्रभु की उपस्थिति, आपकी प्रेयर के आंसर, आपके जीवन का आनंद, आपका उद्धार, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हीलिंग यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपके जीवन में ऐसी बनी रहे। बाइबल कहती है आज तक ऐसा ही है, और जब यीशु का दूसरा आगमन आएगा हम सब कह पाएंगे आज तक ऐसा ही है आपके जीवन में। चर्च के लोगों बिलीव करें, चर्च के लोगों विश्वास करें, आपका यहोवा भला यहोवा है। आपको पता है आप जैसे जैसे यहोवा में लिप्त होते रहते हैं, आप जैसे जैसे यहोवा में बने रहते हैं, प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन में बड़े फेवर को देता है। मुझे ऐसे कहने दीजिए, जिस समय मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिस समय मैंने सेवकाई करना प्रारंभ किया, उस समय परिस्थितियां बहुत बहुत खराब थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं इस इंदौर शहर में आया था, मेरे पास दो शर्ट दो पैंट थी, और उसके अलावा कोई पैसे नहीं थे अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए। सिंदौर में आया था, भैया तो फिर इस इंदौर में नहीं रहे, वो मुंबई शिफ्ट हो गए, मगर मैं इंदौर में रह गया। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है वो दो शर्ट वो दो पैंट। मुझे हर एक दो दिन बाद अपने उन कपड़ों को धोकर फिर से आयन कर फिर से पहनना, और जब मैं अपने अपने ऑफिस जाता था तो वही कपड़ों को रिपीट पहनना मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगता था। और लगभग जब इस इंदौर में आया, मैं जॉब को ढूंढना प्रारंभ किया, और मैं सिर्फ 12th पास था उस समय, बाद में मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। मगर जब मैं लगभग 15 दिन तक जॉब ढूंढता रहा, और जब मैं जॉब ढूंढ रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे कि स्टडी करूं 12th के बाद, और मैं लगभग 15 दिन तक जॉब ढूंढता रहा, हर कोई इवन ऑफिस बॉय के भी जॉब के लिए ट्राई किया, ऑफिस बॉय के जॉब के लिए भी ट्राई किया, और उस समय परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, और इतना ही नहीं, कई चैलेंजेस लाइफ में अभी भी चल रहे हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बहुत दृढ़ता से कह सकता हूं, उस दिन की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत अलग है। उस दिन की सिचुएशन और आज की सिचुएशन बहुत अलग है, और मैं आपको दावे के साथ, मैं आपको अपनी गवाही के साथ आपको कह सकता हूं, मेरे यहोवा ने मुझे नहीं छोड़ा
और उसने क्या भलाई मेरे जीवन में करी है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप में से कोई भी लोग अपनी टेस्टिमनी लिखकर भेजते हैं, जब कोई हमारे हमारे चर्च के लोग इस बात को कहते हैं, पास्टर आपके उन प्रचार से हमारे जीवन में बदलाव आया, ये हुआ वो हुआ, हम जब मैं वो चीज़ सुनता हूँ मैं प्रभु को इस बात को धन्यवाद देकर कहता हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं कौन था। यहोवा सिचुएशन को बदलने वाला प्रभु है, प्रभु परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। मैंने प्रभु की भलाइयों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं वो यहोवा परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। वो यहोवा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला प्रभु है। हर दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, इवन ये परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं रहेंगी जो हमने कल सीखा। हम लोग एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, ये पहाड़ उखड़ जाएगा और समुद्र में गिर जाएगा, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। आपके आपके विश्वास का हर एक वचन जो आपने कहा है वो कभी भी नहीं टलेगा। चर्च के लोग बिलीव करते रहे, मैंने तब भी बिलीव करना नहीं छोड़ा था, मैंने आज भी बिलीव करना नहीं छोड़ा है और मैं आने वाले समय में बिलीव करना नहीं छोड़ूंगा। मैं गिव अप नहीं करता, मैं प्रभु पर फेथ करना नहीं छोड़ता। जब जब कठिन परिस्थितियां सामने होती, जब लगता है अरे यार अगर मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं ये समस्या मेरे लाइफ में क्यों आई है, क्यों दस्तक दी है, मैं हर समय इस बात को कहता हूं ये समस्या इसलिए आई है क्योंकि प्रभु कुछ भला करने जा रहा है। हालेलुया, मुझे नहीं पता आज आज की सिचुएशन में, आज के समय में आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप किस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आप किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं यदि यहां पर ये कड़वा पानी, ये खराब पानी यदि ये बदल करके एक अच्छा पानी हो सकता है, यदि ये भूमि जो गर्भ गिराने वाली भूमि थी यदि ये ठीक हो सकती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति ठीक हो सकती है। पास्टर पानी को कैसे ठीक किया जाए, यहोवा के वचन से। हमारी परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए, यहोवा के वचन से। हमारी सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, यहोवा के सामर्थी वचन से। बिलीव करिए प्रभु के लोगों, आज से प्रोक्लेम करना प्रारंभ करें। मैं आपको एक 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 रास की बात बताता हूं, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, और वो रहस्य की बात क्या बताएं, अपनी समस्याओं के लिए रोना छोड़ दीजिए, अपनी समस्याओं के लिए रोना छोड़ दीजिए, मगर उस सिचुएशन पर प्रोक्लेम करना प्रारंभ करें, क्योंकि जिस समय आप अपनी बातों पर, अपनी सिचुएशन पर प्रोक्लेम करते हैं, प्रभु परिस्थितियों को बदल देता है, प्रभु परिस्थितियों को बदल देता है। जिस समय आप अपनी लाइफ पर, जिस समय आप अपनी सिचुएशन पर प्रोक्लेम करते हैं, प्रभु सिचुएशन को, उस परिस्थितियों को बदलता है। वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से कोई नहीं रोना, मेरा जॉब नहीं चल रहा, मेरे बहुत सारे लोग अपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं, अच्छी बात है, हम प्रार्थना करने से मना नहीं कर रहे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्यों ना आप प्रोक्लेम करें। आप कहेंगे पास्टर साहब आपको नहीं पता है जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है ना ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, आपको नहीं पता है क्या फील होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मैंने बहुत सहा है, बहुत देखा है, बहुत फील किया है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा है। सो आप मुझे मत बताइएगा कि क्या फील होता है, मुझे पता है, मगर ऐसी सिचुएशन में मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने इस वर्ड को नहीं छोड़ा, मैंने इस वर्ड को प्रोक्लेम करना नहीं छोड़ा, और मैं आज भी इस वर्ड को प्रोक्लेम करना नहीं छोड़ता। यह आपकी जिंदगी, प्रभु के वचनों को अपने फाइनेंस पर, अपनी सिचुएशन पर, अपनी बीमारी पर प्रोक्लेम करते रहिए।
एलिशा के कहने से यदि वो पानी का टेस्ट बदल सकता है, यदि वो भूमि उपजाऊ हो सकती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च के लोगों, आप भी कहेंगे, आप भी अपनी सिचुएशन पर कहेंगे, जब मैं आपकी सिचुएशन पर कह रहा हूँ, बिलीव करिए वो सेनाओं का यहोवा परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया, आइए आइए अपनी आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपनी लाइफ पर इन वर्ड्स को डिक्लेयर करें, अपने अपने जीवन पर इन वर्ड को डिक्लेयर करें। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आपकी सिचुएशन यदि इस पानी के समान और इस भूमि के समान हो गई है, यीशु के सामर्थी नाम में इसी समय वो सारी परिस्थितियां बदलने पाए। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ मैं बिलीव कर रहा हूं, मगर इसलिए क्योंकि आप भी बिलीव कर रहे हैं, आप भी प्रोक्लेम कर रहे हैं, आप भी फेथ कर रहे हैं, और आपका विश्वास भी यीशु पर वैसे ही है जैसे एलिशा का यहोवा परमेश्वर पर था। यीशु के सामर्थी नाम में आपकी परिस्थितियां बदलने पाए, यीशु के जीवित नाम में आपकी परिस्थितियां बदलने पाए। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी को आशीषित करता प्रभु का सामर्थी वचन जो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे इस शहर की जो मन भावने स्थान पर था परिस्थिति बदल गई, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी परिस्थिति बदलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन 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 हालेलुया। अब इस शहर को इमेजिन करिए, पहली आयत में हमने इमेजिन किया था कितना सुंदर मन भावने स्थान पर बना हुआ शहर है, मगर समस्या यह है पानी खराब है, भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। अब इमेजिन करिए, अब वो मन भावने स्थान पर वो शहर बसा हुआ है, यहाँ का पानी भी अच्छा है और यहाँ की जमीन भी जो है वो फ्रूटफुल हो गई है। अब इमेजिन करिए वो शहर वो नगर कैसा है, और ध्यान रखिएगा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया, आपको प्रभु ने पहाड़ पर बसाने के लिए, आपको प्रभु ने लोगों के लिए आदर्श ठहराया है, आपकी गवाहियां लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेगी। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, आप जो प्रभु ने जिसे पहाड़ पर बसाया है, आप और मैं छुप नहीं सकते हैं, हम लोग लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेंगे, हम लोग लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम प्रभु के प्रभु के एक ऐसे आदर्श को तैयार करेंगे, हमें देखकर लोग कहने पाएंगे यीशु ऐसा ही है। हालेलुया, यीशु ऐसे ही प्यार करने वाला है। हालेलुया, मैं बिलीव करता हूँ आज के वर्ड को आपने रिसीव किया है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इस वर्ड को समझा है, रिसीव किया है। इस वर्ड में बहुत ज़्यादा प्रचार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने सोचा मैं एक पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट को बोलूँगा, बाकी समय प्रेयर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई बातें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी या प्रकाशन नहीं मिल रहा था। मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने उस एक वर्ड पर प्रचार करना चालू किया, ऑटोमेटिकली प्रभु ने उन बाकी के वर्ड्स को कहना चालू किया। एंड आई कैन टेल यू दिस This is not me who is talking to you. ये मैं नहीं हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ, मगर वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बातचीत कर रहा है। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन को प्रचार करने के प्रारंभ में मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, मगर जैसे जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु मुझे और नई नई बातें सिखा रहा है और आपको कहने के लिए बता रहा है। हालेलुया, इसका सिर्फ एक मतलब है, यहोवा आपसे बातचीत करना चाहता है, यहोवा आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। बिलीव करिए, इस वर्ड को रिसीव करें। मुझे शायद मैं आपकी दृष्टि में एक साधारण व्यक्ति हो सकता हूँ, और अच्छी बात है, मुझे साधारण बने रहने दीजिए, मगर मेरे अंदर जो यीशु मसीह है वो साधारण नहीं है, वो बड़ा ही पावरफुल है। हालेलुया हालेलुया, इस वर्ड को रिसीव कर लीजिए, इस वर्ड को रिसीव कर लीजिए, सेनाओं का यहोवा कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल सुबह फिर से मिलेंगे 8 बजे। मैं चाहता हूँ जितने लोग इसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, बहुत जल्दी से इस वर्ड के ख़त्म होने के बाद जब मैं इसे फिनिश करता हूँ, इसकी लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इसे भेजें। हमें नहीं पता आज कौन डिप्रेशन में, हमें नहीं पता है किसकी ज़मीन जो है वो फल नहीं ला रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिसके जीवन में सब कुछ व्यर्थ लग रहा है, जो बाहर से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बाहर से उसके जीवन की सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही है, मगर शायद अंदर से कुछ समस्या चल रही है। आइए क्यों ना इस वर्ड को उनके साथ शेयर करें, और होने दीजिए परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करें।
हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आज का आपका संपूर्ण दिन प्रभु की उपस्थिति में गुजरने पाए, आज का आपका संपूर्ण दिन प्रभु के अनुग्रह में गुजरने पाए। आज आप प्रभु को देखें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु में बने रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु आपके जीवन को बहुत आशीषित करें। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, इसे प्लीज़ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना मत भूलना। पता नहीं आज किसकी ज़मीन जो है वो गर्भपात कर रही है, किसकी भूमि गर्भपात कर रही है हमें नहीं पता है, और किसके जीवन का जल जो है वो खराब हो गया है, कड़वा हो गया है, हमें नहीं पता है। आइए क्यों ना आज एक नमक का काम करें, सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।